ये क्या नौकरी रिजाइन कर दी? छुट्टी खत्म। क्यों खत्म? खत्म। जानवरों का व्यापार करेंगे, अब हम लोग दूध बेचेंगे, ठीक है? गोबर हमसे ना उठवाने वाले हैं, ठीक है ना? तो बिजनेस कैसे होगा? ये सब दिमाग में आई कहाँ से? गोबर उठाने और ये नौकरी किसके कहने पे छोड़ दी? मैं ऑफ चूतिया बनाया तुमको, मतलब 70 रुपए लीटर दूध है मार्केट में, 70 रुपए लीटर हम खरीदते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो यार? हम लोग मार्केट से 4 भैंस खरीद लेंगे, ठीक है? और खुद अपने जगह है वहाँ चट्टा बना लेंगे और वहाँ भैंस को बांधेंगे, सुबह शाम दूध की डिलीवरी करेंगे, उसका पैसा अच्छा मिल रहा है। मजा आया, आगे बढ़ता है। हम कहीं भैंस वैंस नहीं बांधने वाले, गोबर वोबर उठाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम करता हूँ नए फ्रेंड के साथ। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख रहे हैं कि अब ऋचा उठाने वाली भैंस का गोबर गांव में जाकर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कितना मजा आने वाला है। और चलते हैं, कैमरा को सेट कर देते हैं, अभी गई हुई नीचे, फिर चलते शुरू करते, मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। क्या कर रही हो? ये कब फेंक रहे हैं? तैयारी कर लो, चलो। ये है क्या? सब पैकिंग वगैरह अगर कर लो और जो भी सामान जहाँ है सब अपना पैक करके रख लो, ठीक है? कहाँ कहाँ क्या रखा देख लो, ठीक है? सुबह हम लोग को निकलना है। टाइम रिजाइन? ये क्या नौकरी रिजाइन कर दी? छुट्टी खत्म। क्यों खत्म? नौकरी छोड़ दिया, अब हम लोग बिजनेस छोड़ दिया भाई। अब हम लोग बिजनेस करने चल रहे हैं, सारी पैकिंग कर लो। मेरे दिमाग में बात बहुत दिनों से चल रही थी कि हम बिजनेस करेंगे। अरे क्यों छोड़ दिए? क्या काहे छोड़ दिए? इसमें रीजन क्या? बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि नौकरी छोड़ के हम लोग गांव चलेंगे। गांव में इतना सब कुछ फैला हुआ है, अपना घर है, ठीक है? तो यही मेरे दिमाग में डिसाइड हुआ, फिलहाल तो चलते हैं। अरे क्या फालतू बने, क्या कहां क्या करेंगे गांव में जाके? इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, क्यों छोड़ दी? हम लोग जानवर का व्यापार करेंगे, ठीक है? जानवर का? हाँ, जानवर का व्यापार करेंगे, हम लोग दूध बेचेंगे। क्यों हिला डाला ना? ठीक है, तो तू अपने सामान और कपड़ा वपड़ा पैक कर ले, तू भी काम करेगी, ऐसा नहीं, पैसा खूब अच्छा आएगा, अच्छी आमदनी है, लाखों रुपए महीने। क्या कह रहे हो यार फालतू पने की, पहले बताओ। देख ऐसा है, मैं तेरे को बोल बोल बात नहीं बताना चाहता हूँ। मैं नौकरी छोड़ने का रीजन है कि मैंने कुछ डिसाइड ही कर लिया। सारे खर्चे थे ऊपर से, तो खर्चे हैं तो खर्चे चलेंगे, खर्चे नहीं रुकने वाले। अब मैं दूध दूंगा और तू गोबर उठाएगी। क्या? मैं भैंस खरीदने वाला हूँ, भैंस का कारोबार करेंगे हम लोग मिलके आपस में। मैं मार्केट में हमसे ना उठवाने वाले हैं, ठीक है ना? तो बिजनेस कैसे होगा? ये सब दिमाग में आई कहाँ से? गोबर उठाएंगे और ये नौकरी किसके कहने पे छोड़ दिए? मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक है? तो एकदम से दिमाग में ख्याल आया कि यार रोज की वही टेंशन बनी रहती है, जॉब का टारगेट ये पूरा करो, वो पूरा करो, ये पूरा करो। मैं हड़ गया इस चीज से। ठीक काफी हो क्या पूरा करने में? अरे यार क्या बात करती है, रमेश को देखो ना, नई कार खरीदने जा रहा है, पता तुमको? दूध बेच तो खरीद रहा होगा, बीच बीच की उसकी मिसेज भी उसमें लगी हुई है। बिजनेस में आके लोग बढ़ रहे हैं, मेहनत करो। दूध बेच के क्या मतलब है? 70 रुपए लीटर दूध है मार्केट में, 70 रुपए लीटर हम भी खरीदते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो यार? हम लोग मार्केट से 4 भैंस खरीद लेंगे, ठीक है? और खुद अपने जगह है वहाँ चट्टा बना लेंगे और वहाँ भैंस को बांधेंगे, सुबह शाम दूध की डिलीवरी करेंगे, उसका पैसा अच्छा मिल रहा है। बात तो सही है। तो बुद्धि नहीं क्या तेरे पास? अकल सोच। इतन अच्छा मेरे हाँ। पास बुद्धि नहीं है, हाँ। बस अक्कल नहीं है। बहुत अक्कल की काम करके आया ना, बहुत अक्कल के काम। अभी तो कुछ सरकारी नौकरी थोड़ी ना थी, इतना अच्छा बिजनेस होता है, बिजनेस अपना आगे बढ़ता है। हम कहीं भैंस वैंस नहीं बांधने वाले, गोबर वोबर उठाने वाले हैं। कितना भैंस गोबर उठाना? 4 भैंस है केवल, हमें कोई किसी एक होते चार, हमें कोई भैंस की अच्छा नौकरी छोड़ दी है। अरे पागल है तू, सुबह उठाएगी भैंस का गोबर? हम नहीं उठाने वाले हैं गोबर ओबर। तू अपने काम करने में शर्मा रही है, बता? हाँ ये कर लो पहले, तो रानी बन के रहेगी ये सोच। ये गोबर उठा के रानी बना रहे हो? गोबर उठा के हमको रानी बना रहे हो? गोबर उठाने से तो तेरा पद थोड़ी कम हो जाएगा कि तू नौकरानी बन जाएगी?
बना रहे हो गोबर उठा रहे हो, राजी ना रखेंगे। अगर तेरे पास सुबह 40 लीटर दूध अगर उस दोनों टाइम का भैंस का हो रहा है तो सोच ले एक दिन में तू कितना पैसा कमा रही, 10,000 रुपए तो तू एक दिन का कमा ही रही है ना, 5,000 रुपए तो मिनिमम मान ले, और महीने कितने हो गए 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए से सोचे तो बातें ना बताओ, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं गोबर 30,000 रुपए के लिए, 30,000 रुपए का भैंस खाना खा जाती है तब भी 1,20,000 बचे प्रॉफिट में, और मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है 25,000 रुपए मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और घर में रहेंगे, घर का दूध दही और घी बनेगा, अच्छा इसमें हम रानी बन जाएंगे, रानी तो बनोगी अच्छी खासी, सारा कैश का अरेंजमेंट तुम करोगी, अरे जब अपना बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो हम लोग कुछ लोगों को रख लेंगे, इसके बाद तुम महारानी बनकर रहना, तब तुम ऑर्डर देना, ओए गोबर उठाओ इधर, ओए गोबर उठाओ इधर, ऐसे करना और के लिए, अब कह रहे थे कि हाँ कौन से गोबर उठवाएंगे, अरे कुछ दिन तुम गोबर तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, जब हम नहीं कहीं जाने वाले, जब अपना हम कहीं गोबर ऊपर नहीं उठाने वाले, जब अपना बिजनेस रमेश उठा के बना रहा है तो रमेश, जब अपना बिजनेस डेवलप कर जाएगा तो इसके बाद तो तुम्हें को करना है ना, जब अपना बिजनेस डेवलप कर जाएगा तो इसके बाद तुम्हें को काम करना, तब तो तुम्हें महारानी बनकर रहना है, केवल 4 लोग को नीचे लगा लेना, अरे क्या कैसे उठा रहे हो कैसे कर रहे हो, बस तुम्हें ऑर्डर देना है, अभी तो शुरू में काम खुद करना पड़ता है ना अपने बिजनेस में, समझ रहे हो ना, दिल छोटा मत कर, शुरू करते हैं, चल पैकिंग वोकिंग कर ले सुबह की बस हम लोग की, क्या हाँ सामान की पैकिंग वोकिंग कर ले क्या, क्या, क्या बोले सुबह की बस हम लोगों की, ठीक है ना, तो अपने दिल से दिमाग सुबह हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कोई पैकिंग नहीं करने वाले हैं, नहीं तो मैंने सब प्लान तय कर लिया, मैंने वो भैंसों को ऑर्डर भी दे दिया, भैंसों को ऑर्डर भी दे दिया, ठीक है ना, हमें कोई गोबर नहीं उठाना है, ठीक है ना, मैं तेरे को शर्म लग रही है, वो 25,000-20,000 रुपए की नौकरी से क्या होने वाला बता हमको, यहाँ 1,00,000 अभी तक तो चल रहा था अच्छे खासे, उसके जीवन कट जाता वो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था, मैं सब डिसीजन लूंगा, फाइनल मैंने डिजाइन कर दिया है ऑफिस में पूरी खत्म, नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई, आज चलते हैं फिलहाल गांव चल के बढ़िया बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूध दही घी की कमी नहीं होगी, तू कहाँ जाओगी अपने, तो फिर तुम कहाँ जाओगे, आप एक साथ यहीं रहना है, लो तो मैंने रिजाइन दे दिया, नौकरी बची नहीं यहाँ पे, गोबर उठवाएंगे तो किससे उठवाएंगे, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, पड़ोसी है उठाने के लिए, हम नहीं कहीं जाने वाले हैं, तो फिर किसके साथ जाएंगे, अकेले जाओ करो, ठीक है मैं अकेले चला जाऊंगा, मेरा बिजनेस है, मैंने तो लोन भी ले लिया ना भैंसों के लिए, कहीं नहीं जाना है, मैं तो अभी थोड़े नहीं जा रहा हूँ, तो सुनने को तैयारी नहीं हो रही, लेटर पर मैंने डिजाइन दे दिया, छोड़ यार मेरा, तुझको मेहनत ना करना पड़े, मेरा तुझको मेहनत ना करना पड़े यार, मतलब अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है ना, ये बिजनेस मिला है सबसे बढ़िया, भैंस पाल रहे बिजनेस है, समझी, कोई सुअर पालेगा तो वो भी पाल लेना, सुअर तो प्रॉफिट वाला बिजनेस समझी, एक एक जानवर 40,000-40,000 रुपए बिकते हैं, कहाँ रहती है भैंस, जैसे बुद्धि में हो जाएगी, 70,000-70,000 रुपए की भैंसे हैं, अगर सुबह शाम मिला 5,000 का भी कलेक्शन, झूठ बोल रहे हो ना, कहीं नहीं जा रहे हो ना, हद करती है, झूठ बोलने के लिए मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, रिजाइन दे के आया हूँ, मैं तो दोबारा उस ऑफिस में जा भी नहीं सकता हूँ, फाइनल रिजाइन दे के आया हूँ सोच के समझ के, क्यों दिए हो, बाहर जाने के लिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने गाँव में इतनी जमीन जमीन खेत किसान सब कुछ रखा हुआ छोड़ के यहाँ शहर में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं छोड़ सोचे, तो जब सोच बने तब काम शुरू कर देना चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना है भैया, मुझे कुछ नहीं पता, सुबह पैकिंग मुझे चाहिए और सुबह निकलना है हम लोग, नहीं हम सुबह अपने घर से ले जाएंगे, हमें कोई गोबर, तो ठीक है अपने तो पापा को फोन करके बुला के चली जा, मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है मैं अपना निकल जाऊंगा, ठीक है, कहाँ निकल जाओगे, मैं अपना सुबह निकल जाऊंगा, अरे तुझे मैंने भैंसों को ऑर्डर दे रखा उसको क्या होगा, क्या ऑर्डर दे चुके और क्या, जब तू मना कर रही है तो मैं किसी और के साथ बिजनेस शुरू करूंगा, काम तो मुझे करना ही ना, और न मेरे पास नौकरी बची ना कुछ, रिजाइन लेटर मेरे पास आ चुका है, तू तो इतना पछता रही जैसे तू गोबर उठाएगी तू बिल्कुल घिस जाएगी, अरे गोबर पहले क्या घर से ले पाई, गोबर से नहीं करती थी तब, तेरे हाथ में गोबर नहीं लगते थे, नहीं हमें नहीं करते थे, तो क्या पॉलिथीन लगा के लिपती थी इसे इसे कर करके, वो लीपने में उठाने में
बहुत अंतर है। अरे पटरा लगा के उठा लेना ऐसी जगह पे, हमें नहीं उठाना यार, हमें कहीं नहीं जाना। तुम ना जाना, हम चले जाएंगे। हम चले, हम पापा को फोन करके बताएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना। तो पापा के पास जा रही है, मिला के हम खुद ही चले जाएंगे, आप करना अपना बिजनेस। चला चल, तू दे फोन, दे फोन, दे नहीं फोन दे। तो तू सीरियस हो गई ना? क्या सीरियस हो गया, अच्छी खासी नौकरी रिजाइन दे दी और बस बात कर रहा है। कहाँ रिजाइन दिया मैंने? इस लेटर को मैंने डुप्लीकेट बना के लाया हूँ, कैफे से देख ले कहाँ लिखा हुआ है। तुझको फोटो कॉपी है, समझ में नहीं आता है कि क्या रिजाइन देके आया हूँ मैं? डुप्लीकेट कॉपी है, फर्जी तैयार की हुई है, फेक कॉपी, मैं कोई रिजाइन देके नहीं आया। ठीक है, उसको लगा मैं सिर्फ गोबर उठवाएंगे, मुझसे गोबर फेंकवाएंगे, तब ये सब फालतू बने की बातें दिमाग में आई कहाँ से? मैं तेरे साथ फ्रैंक करने वाला था, तुझको लगा कि वाकई में मेरे साथ गोबर उठवा लेने लगता है, भैंस का कारोबार करवा लेंगे। आज मैंने तेरा फ्रैंक बना लिया, तू तो बिल्कुल सीरियस हो गई थी, गोबर उठा के कह जाऊंगी रानी महारानी से, रानी रानी से नौकरानी। नहीं तो क्या, मैं हूँ ही रानी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दबा के कमेंट शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हाल देखिए क्या हुआ है, इसको लगा वाकई में गोबर फेंकने जा रही है। तो वीडियो में जो भी चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहे हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट फ्रैंक के साथ में।